तो गाइस यार आज ना वापस से मैं सिंचन और चॉप अपने ट्यूशन में जा रहे हैं। और गाइस ये देखो हमारा ट्यूशन ऊपर पूरा का पूरा रेडी है और सिंचन और चॉप है ना अभी जाएंगे एवेंजर्स को लेने के लिए। तो गाइस अभी ना काफी ज्यादा टाइम बचा हुआ है सिंचन को जाने के लिए। सिंचन जाना यार, तू फटाफट उन लोग को लेके आना। अरे इतनी भी जल्दी क्या है यार, थोड़ी देर बाद जाऊंगा ना। चॉप तुझे जाने का मन है क्या? अरे नहीं नहीं, इतना जल्दी जाने में क्या फायदा, हम लोग आराम से ही जाएंगे। हाँ गाइस, वैसे एक बात और बता दूँ, आज मेरा खुद पढ़ाने का मन नहीं कर रहा। ओए होए, क्या बात बोल दी फैंकी भैया, आज तो फिर छुट्टी, सही बोला ना? अरे नहीं नहीं, छुट्टी तो नहीं होगी, लेकिन गाइस मेरा ना बिल्कुल मन नहीं कर रहा। एक काम करते हैं ना, आज कोई दूसरा काम प्लान करते हैं यार। अरे फैंकी भैया, हम कौन सा काम करेंगे? अरे मैं कह रहा हूँ कि कोई अदर एक्टिविटी, जैसे कि हम लोग कहीं बाहर जाएं। अरे हाँ, हम लोग जब से पिकनिक नहीं गए हैं, हम लोग पिकनिक में जा सकते हैं यार। अरे हाँ हाँ, पिकनिक में जाएंगे, पिकनिक में जाएंगे, चॉप चलेगा ना? अरे हाँ हाँ, चलो चलो पिकनिक में चलते हैं यार। तो गाइस मैं सोच रहा हूँ ना, क्यों ना हम सारे के सारे जाएं पिकनिक में और बाहर में रात में जाके कैंपिंग करें, कितना ज्यादा मजा आएगा। चलो फिर ठीक है, आज के लिए ना मैं नहा लेता हूँ और उसके बाद आज हम लोग ट्यूशन नहीं पढ़ाएंगे, आज हम सभी जाएंगे कैंपिंग के लिए बाहर। तो सिंचन एक काम करियो, तू उनको लेने जियो, लेकिन किसी को बताइयो मत कि आज हम लोग पिकनिक में जाने वाले हैं। उल्टा ये बोलियो कि आज फ्रैंकलिन भैया बहुत ज़्यादा गुस्सा है, वो सबसे सुनेंगे, और तो और आज बहुत तेज मारेंगे भी, क्योंकि जो पढ़ के नहीं आया होगा और सुनाएगा नहीं तो फ्रैंकलिन भैया उसको छोड़ेंगे नहीं, ठीक है ना? अरे हाँ हाँ, बिल्कुल सही बोला आपने, गाइस आज सबके साथ प्रैंक हो जाएगा। आप लोग वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। फैंकी भैया मैं सबको बोल दूंगा कि आज आप टेस्ट लोगे और आप मारोगे यार। हाँ ठीक है, आराम से जियो, जब तक ना हाँ कैप्टन मेरे का पहले आ जाता है तो मैं उसको सारा का सारा प्लान समझा दूंगा। चलो गाइस अब फाइनली आज मजा आ जाएगा, आज पढ़ाई से थोड़ी छुट्टी तो हो गई। अरे हाँ बिल्कुल सही बोला, वैसे भी यार तुम लोग डेली पढ़ते थे ना तो मेरा मूड ऑफ रहता था, मैं सोचता था मैं क्या करूँ। अरे कोई नहीं, आज हम लोग जाएंगे कैंपिंग के लिए, बहुत मजा आएगा। गाइस यार बहुत दिनों बाद जा रहा हूँ ये सब करने, क्योंकि लास्ट टाइम फैंकी भैया बहुत बहुत पहले लेके गए थे, जब मैं बहुत ज़्यादा छोटा था, जब मैं 3 साल का था, आज मैं 5 साल का हूँ, थोड़ा सा लंबा। अच्छा ठीक है इधर तो आ जाओ। अरे हाँ दो मिनट, गाइस भूल गया था, अरे जल्दी आना चॉप। अरे यार फिसल के गिर गया तो मैं क्या करूँ। गाइस चलो चॉप बैठ गया है और अब हम लोग चलते हैं यहाँ से। और सबसे पहले कहाँ जाऊँ, हाँ अवेंजर हाउस चलता हूँ, मतलब स्टार्क मैंसन, वहाँ पे मैं आयरन मैन भैया को, हल्कू भैया को और हाँ रेडू हल्क भैया को, तीनों को ले लूँगा जल्दी से। चलो चलो जल्दी चलते हैं। ओए मेरे ट्रक जल्दी चल यार। ओके गाइस अभी ट्रक को बहुत बहुत स्पीड में चला के लेके आया हूँ, क्या बताऊँ आपको, इतना स्पीड चला रहा था ना, अगर मैं किसी को ठोक देता तो वो उड़ ही जाता है। छोड़ो कोई नहीं, अरे आराम से। ओए अंकल आराम से यार, कैसे चला रहे हो? अरे कोई नहीं सिंचन, गाइस मानना पड़ेगा, अब तो सिंचन की नौकरी भी लग जाएगी। अरे नौकरी, मेरी नौकरी किस चीज़ में यार? अरे ट्रक ड्राइविंग में यार, बहुत अच्छी ड्राइविंग करता है अब तो तू। अरे नहीं नहीं गाइस, मैं एक स्टूडेंट हूँ, वो तो बस मैं इन लोगों को लेने जाता हूँ यार, वो भी सिर्फ मजाक में, सीरियसली मुझे ट्रक इतना अच्छा चलाने नहीं आता है। हाँ वो तो है, पर यार तो चला लेता है जैसे लोग चलाते हैं बाकी। हाँ वो भी है। चलो गाइस अब हम लोग चलते हैं, एंड यार मैं कैंपिंग के बारे में सोच के ना बहुत ज़्यादा खुश हूँ, कितना मज़ा आएगा और क्या क्या खाएंगे मानना पड़ेगा यार। और वेट, ये तीनों यहीं पे हैं। आ गए, वाओ, हम तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। सिंचन आज बड़ी जल्दी आ गए। अरे यार क्या बताऊँ, बहुत गड़बड़ हो गई, आज टेस्ट है ट्यूशन में और जो नहीं सुनाएगा वो खूब पिटेगा यार। अरे यार ये क्या बोल रहे हो, सही में झूठ तो नहीं बोल रहे ना? अरे बोल दो कि ये झूठ है। अरे टेस्ट वेस्ट नहीं दूंगा मैं, मेरे को नहीं पढ़ना, वरना फ्रैंकलिन बहुत मारेगा। अरे यार क्या करें, ट्यूशन जाए या ना जाए, अरे नहीं जाएंगे और मार खाएंगे। चलो चलो चलते हैं, अब कोई ऑप्शन नहीं बचा हमारे पास। अरे ये कब हो गया, अरे हम नहीं जाएंगे सिंचन। अरे चलना पड़ेगा, अगर आज नहीं गए तो बहुत कुछ मिस हो जाएगा यार। ओ वेट, ऊपर तो हेलीकॉप्टर है, आप लोगों के हेलीकॉप्टर से चले क्या? अरे नहीं, ट्यूशन जाना है, पिकनिक में नहीं कि हेलीकॉप्टर से जाए। चलो फटाफट से चलो, फालतू का तुम यहाँ पे वेट कर रहे हो। चलो यार आज तो सरप्राइज टेस्ट भी हो गया, देखते हैं
कि आज फ्रैंकलिन क्या हालत करेगा हमारी। अरे सबसे ज्यादा तो मैं आपको पिटवाऊंगा और बोलूंगा कि फ्रैंकलिन कुछ नहीं कर सकता, ऐसा वैसा बोल रहे थे आप, फ्रैंकलिन को बोल दूंगा ऐसे मैं। अरे समझा लो चौप इसको, वरना ये ट्रक से नीचे फेंक दूंगा इसको, ठीक है ना? अरे यार आप आगे आ ही नहीं सकते, आगे मैंने लॉक लगा रखा है ही। अरे यार तुम अभी हल्का ताकत जानते नहीं हो, क्या चीज हल्क। अरे चलो यहाँ से फटाफट। अरे यार आज तो काफी जल्दी, आज तो इतनी जल्दी पहुँचाओ ना ट्यूशन, आज तो कोई पहुँचा नहीं होगा। और ये देखो मेरी ब्रांड न्यू BMW की कार, काफी भयंकर है और रेड कलर। अरे नहीं मैंने तो ब्लू कलर पे मंगाई थी, लेकिन ये रेड कलर की अवेलेबल थी तो मैंने बोला कोई बात नहीं अगली बार ब्लू वाली मंगा लेंगे, अभी रेड वाली ठीक है। चलो आज फ्रैंकलिन को दिखाता हूँ अपनी ब्रांड न्यू कार। वैसे ये काफी भयंकर स्पोर्ट्स कार है, लेकिन हाँ इसके डोर्स काफी पुराने जमाने के हैं, लेकिन हाँ इसके अंदर पावर्स काफी ज्यादा भयंकर है। चलिए आप लोग को दिखाता हूँ और फ्रैंकलिन और बाकी सारे एवेंजर देखेंगे वो पक्का चौक जाएंगे। अरे यार आज फ्रैंकलिन दिखा नहीं, अक्सर तो वो बाहर ही होता है। अरे फ्रैंकलिन, अरे होगा अंदर, चलो जाके देखता हूँ। सही में यार फ्रैंकलिन ना मेरी गाड़ी देख के बहुत ज्यादा खुश हो जाएगा। अरे फ्रैंकलिन, अरे भाई साहब, अरे कैप्टन अमेरिका आ गए, बहुत बढ़िया। आज मैं आप लोग को बताना चाहूंगा कि आज आपका होगा सरप्राइज टेस्ट। अरे यार क्या बोल रहे हो, अरे नहीं बोल दो ये झूठ है, क्योंकि मैं कुछ पढ़ के नहीं आया यार। अरे यार कोई बात नहीं, तब भी आज सभी का होगा सरप्राइज टेस्ट। अरे यार तो मर खाने के लिए तैयार रहूं मैं। अरे नहीं मैं मजाक कर रहा हूँ, आज हम लोग जाएंगे पिकनिक में और कैंपिंग करेंगे रात भर। अरे यार मजा आ गया, लेकिन सुनो ये सीक्रेट होना चाहिए और सबको डराएंगे हम लोग, उसके बाद सबको बताएंगे। अरे यार ठीक है मैं समझ गया तुम्हारी बात फ्रैंकलिन। वो वैसे आपकी गाड़ी तो काफी बढ़िया लग रही है। अरे यार अभी तो लाया था, थोड़े दिन हुए, लेकिन हाँ तुम्हारा प्लान काफी बढ़िया है। चलो ओके गाइस, अभी हम लोग डोरीमोन भैया के घर की तरफ जा रहे हैं। एंड यार क्या बताऊं, आयरनमैन भैया की तो हालत खराब हो रही है यार। अरे मैं तो याद कर रहा हूँ कि फ्रैंकलिन ने क्या क्या पढ़ाया था। सही में यार आज तो फ्रैंकलिन हमें नहीं छोड़ेगा। ये देखो ये सारे इतने आराम से खड़े हैं, चलो इनको भी एक झटका देते हैं यार। अरे रुको मैं देता हूँ। अरे सुन लो सब लोग। अरे हाँ आओ सिंचन, आज तो तुम टाइम पे आ गए, बहुत बढ़िया, चलो चलते हैं ट्यूशन अब। की बात है आज बिल्कुल टाइम में आया सर। अरे अभी तुम सिंचन की पूरी बात तो सुनो, फिर तुम्हें टाइम का मतलब पता चलेगा डीजे आलोक। अरे हाँ चलो सब लोग मेरे साथ घर, आज वैसे भी टेस्ट है, मजा आएगा यार। अरे बोल दो कि ये तुम हमसे मजाक कर रहे हो, टेस्ट वो भी आज, कुछ पढ़ के भी नहीं जा रहे हम लोग तो। अरे बढ़िया, और फ्रैंकी भाई तो सुबह से हुए बहुत ज्यादा गुस्से में थे और उन्होंने बोला था कि सबको समझा लियो कि आज टेस्ट है और जो टेस्ट नहीं दे पाएगा ये जिसके कम मार्क्स आएंगे वो तो समझो गया, उसको ट्यूशन से निकाल देंगे यार। अरे यार मैं तो पढ़ के आया हूँ, मुझे तो मजा आएगा, मैं रात में पढ़ रहा था और मुझे लग भी रहा था कि फ्रैंकलिन कभी भी सरप्राइज टेस्ट ले सकता है। अरे कोई दिक्कत ना है, चीटिंग कर लेंगे। अरे चीटिंग नहीं हो पाएगी, एक इंसान छत में बैठेगा, एक इंसान रोड में और एक इंसान पार्क में, समझे क्या? अरे यार आज तो फ्रैंकलिन ने पूरा मूड बना रखा है मार खाने का। नहीं मारेगा वो कैसे मार खाएगा, वो तो टीचर है। अरे सॉरी गलती से निकल गया यार। अरे रुको घर में जाके बोलूंगा, आप बोल रहे थे कि मार खाएगा तो वो आपको और पीटेंगे और आपका सबसे हार्ड टेस्ट बनवाऊंगा मैं। अरे यार नहीं अरे सिंचन वो मेरी अब गलती से निकल गया यार, मत बोलना वरना फ्रैंकलिन और ज्यादा मारेंगे मेरे को। चलो ठीक है आप इतना बोल रहे थे छोड़ दिया, फ्रैंकी भैया सब लोग आ गए पेपर। ठीक है थोड़ा साइड में खड़ा कर दे। और गाइस लो आप सभी आ गए, तो आप सबका स्वागत है फ्रैंकलिन ट्यूशन क्लासेस में, तो आ जाओ फटाफट से रोड क्रॉस कर दो। अरे राम से ओए गाड़ी वाली भाई राम से। गुड मॉर्निंग फ्रैंकलिन सर। गुड मॉर्निंग फ्रैंकलिन। अरे फ्रैंकलिन मुझे बहुत तेज टॉयलेट आई है, मैं घर जाऊँ वापस। घर क्यों जाना, यहाँ पे है ना टॉयलेट। और वैसे आज मैं आप लोग को बता दूँ, ध्यान से सुनना कि आज आप लोग का है सरप्राइज टेस्ट, जो नहीं सुनाएगा सोचो उसका मैं क्या हाल करूँगा यार। अरे
सरप्राइज टेस्ट, हमें पहले बताया नहीं था कि कोई टेस्ट होने वाला है, तभी तो बोल रहा हूँ सरप्राइज टेस्ट ये। अरे यार, हम ये सोच रहे हैं कि टेस्ट में क्या आएगा, हमें सब कुछ याद है, पर थोड़ा थोड़ा याद है यार। अरे हाँ, हमें भी सब कुछ याद है। नहीं नहीं नहीं, हमें सब कुछ ही याद है, क्योंकि हम लास्ट नाइट जब डोरीमोन पढ़ रहा था तो पीछे से मैंने भी देख लिया था, और वैसे भी हम एस्गार्ड के राजा हैं, हमें तो सब याद ही रहता है यार। अरे लेकिन मेरा क्या हाल होगा? अरे बिल्कुल सही बोला भाई, हम लोगों को तो छोड़ेंगे नहीं। अरे वही तो, रात भर खेलते रहे, दिन भर खेलते रहे, और पढ़ा तो कुछ भी नहीं, अब सरप्राइज टेस्ट। अरे फ्रैंकलिन, आज छोड़ दो यार। अरे आ जाओ, जिस जिसको याद है ना वो नीचे आ जाओ, और जिसको कुछ भी याद नहीं है वो ऊपर रहो, ठीक है ना? अरे फ्रैंकलिन आ गए, सुनो क्या सुनना है हम लोग से। आ जाओ, मैं सबको एक सरप्राइज देता हूँ। और हाँ गाइस, आप लोग ना मेरे से पहले बताना चाहते हो इन लोग को सरप्राइज, तो फटाफट से कमेंट में बता दो, अब मैं बताता हूँ। सुनो, आज हम लोग जा रहे हैं पिकनिक में। ओ भाई साहब, सुना तुम लोगों ने, पिकनिक के यार। ओ भाई, पिकनिक के जावेंगे? ओ भाई, घने मजे आवेंगे यार। अरे हाँ, पिकनिक में। गाइस, मुझे लग ही रहा था फ्रैंकलिन कोई प्रैंक कर रहा है, तभी तो सरप्राइज टेस्ट आज तक नहीं लिया। तो गाइस, हमारी तरफ से फ्रैंकलिन के लिए एक लाइक एंड सब्सक्राइब तो बनता है। अरे थैंक यू, लेकिन मैं तो शुरुआत में सबको डरा रहा था, और सिंचैन को मैंने बोला था कि सबको बोल दियो कि आज फ्रैंकलिन भैया लेने वाले हैं सरप्राइज टेस्ट। चलो अब ये हल्क और आयरन मैन को और रेड हल्क को शांत करवाते हैं। अरे सुनो यार, रो मत, आज कोई सरप्राइज टेस्ट नहीं है। अरे झूठ बोल रहे हो, अंदर ले जाके बहुत मारोगे। अरे यार, ये कैसे हो सकता है, सही में टेस्ट नहीं है क्या यार? अरे हाँ, मजाक नहीं, इस गाड़ी को हम लोग अंदर रख देते हैं, और वो बड़े वाले ट्रक से ना हम सारे जाएंगे पिकनिक में। अरे नहीं नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो, तुम हमें छोड़ के चले जाओगे। अरे सच बोल रहे हैं, छोड़ के नहीं जाएंगे यार। चलो ठीक है, अभी ना तुम लोग को पूरा प्लान समझाता हूँ कि आज ना पूरे दिन और पूरे रात हम नाइट कैंपिंग भी करेंगे। तो कौन कौन जाना जाता है मेरे साथ? अरे नेकी और पोच, हम लोग जाएंगे। हम लोग क्या, सब लोग जाएंगे, ठीक है ना? ओके है, भाई साहब बहुत मजा आएगा। गाइस, आप लोग सोच नहीं सकते, रात को वहीं रहेंगे, खाएंगे पियेंगे। लेकिन पेंगी भैया, ये लोग तो कुछ भी नहीं लाए यार अपने घर से खाने पीने का। अरे यार, कैंपिंग के लिए बहुत सारा सामान होता है, वो भी तो लेके नहीं आए, हम लोग जाके बस बैठे रहेंगे क्या? हाँ यार, हल्की आवाज में तो दम है, लेकिन बातों में भी दम है। चलो एक काम करते हैं, बीच में ना अभी एक मॉल पड़ेगा, वहीं से सारा सामान ले लेंगे कैंपिंग का, उसके बाद हम कैंपिंग कर लेंगे यार। अरे हाँ, बोल तो सही रहे हो फ्रैंकलिन। और यार, खाने पीने का क्या होगा फ्रैंकलिन? अरे यार, जब वहाँ पे बीच में मॉल आएगा तो खाने पीने का भी ले लेंगे, और खाना पीना हम वहीं बनाएंगे कैंपिंग में, कितना ज्यादा मजा आएगा। और हाँ फ्रैंकलिन, कहीं नदी किनारे चलना यार, वहाँ पे मछली पकड़ेंगे और मजा आएगा। हाँ यार, तुम लोग की बातें सुन के ना मुझे अच्छा जरूर लग रहा है। चलो ठीक है गाइस, अभी हम लोग ना फटाफट से मॉल पहुँचने वाले हैं। वैसे मॉल वो हो रहा यार, मैं रास्ता भूल रहा था, लेकिन कोई बात नहीं। और हाँ एक बात और, मैं ना खर्चा नहीं देने वाला, तुम लोग को खुद पैसे मिलाकर लेके आना पड़ेगा कैंपिंग का सारा सामान। अरे यार, उसकी पैसों की दिक्कत मत रखो, मेरे पास पैसा बहुत है यार। अरे यार, मेरे होते हुए किसी को दिक्कत? नहीं नहीं, सारा पैसा मैं दे दूंगा, आप लोग बस सामान लेके आ जाना यार। अरे बहुत बढ़िया कैप्टन अमेरिका, आयरन मैन, तुम लोग तो सही में बहुत पैसे वाले हो यार। जो जो सामान लाना है एक बार बता दो फ्रैंकी भैया, मैं जाके ले आता हूँ यार। अरे यार, अंदर जियो और उनको बोलियो कि पूरा का पूरा एक कैंपिंग का सेट दे दो, जिसमें 7-8 लोग रह सके, ठीक है ना? और उनको बोलियो हमें नाइट कैंपिंग भी करना है, तभी वो टेंट वगैरह देंगे। अच्छा ठीक है ठीक है, और खाने पीने का सारा सामान ले लूंगा। ओके हाँ ठीक है ठीक है। अरे मैं भी चलता हूँ, मैं सारा का सारा सामान उठा लूंगा, क्योंकि मैं हल्क हूँ हल्क। अरे ठीक है जाओ। अरे हाँ, हम भी चलते हैं, कोई सिंचैन को लूट ना ले, हम उसकी सिक्योरिटी के लिए चलते हैं यार। अरे यार, इतने में कौन लूट लेगा? गाइस यार, अभी मैंने पैसे ले लिए हैं आयरन मैन भैया ने और कैप्टन अमेरिका भैया ने, खूब सारे पैसे दे दिए मेरे को। रुको, जाके सारा पैसा खर्च कर दूंगा और सामान ले लूंगा। अरे ठीक कह रहा सर, बढ़िया बढ़िया खाने पीने को ले लिए भाई। अरे यार, बोल तो सही रहे हो डीजे लोग, लेकिन आज कैंपिंग का मजा बहुत ज्यादा आने वाला है,
और पहली बार ट्यूशन से कभी कैंपिंग के लिए जा रहे हैं। सही में यार मजा तो आ गया यार। ओके गाइस, सारा सामान आप लोग देख सकते हो ले लिया है और हल्क भैया ने अपने सर पे ऐसे रख रखा है जैसे कि यार एकदम बॉल की तरह रखा हो। कोई नहीं अभी जाके ट्रक पे लोड करते हैं और यहाँ से निकलते हैं कैंपिंग के लिए यार। अरे यार ये कोई वजन है, बिल्कुल हल्का लग रहा है मेरे को, लेकिन कोई बात नहीं इसको उठा के मैं ट्रक में पटक दूंगा। अरे नहीं नहीं पटकूंगा टूट जाएगा, आराम से लेके जाता हूँ। अरे आ गए तुम लोग, सही में यार काफी जल्दी शॉपिंग करके आ गए। अरे उठाया डब्बा और लेके आ गए और पैसे दिए और क्या। चलो फिर ठीक है, एक काम करो मैं ऊपर जाता हूँ, तू मुझे पकड़ाना, मैं ऊपर रख दूंगा और आयरन मैन और रेड हल्क दोनों के दोनों इसको पकड़ के रखना, ठीक है ना। अरे हाँ हाँ दोनों पकड़ के रख लेना, और यार नहीं गिरेगा वो, सेट हो गया है। चलो चलो अपन लोग यहाँ से निकलते हैं यार। चलो फिर ठीक है गाइस, अभी ना फटाफट से निकलते हैं। और हाँ आज तो हमारा पूरा का पूरा दिन पिकनिक का ही है। सही में यार मैं तो ये सोच के भी बहुत ज्यादा खुश हो रहा हूँ, कितना मजा आएगा पिकनिक में। और हाँ हम लोग ना यहाँ वहाँ नहीं जाएंगे, हम लोग जाएंगे पहाड़ों की तरफ जहाँ पे बहुत अच्छा पानी होगा और बहुत बढ़िया समुंदर, मतलब सॉरी नदी होगी। समुंदर तो यार लॉस एंजेलिस में ही है। चलो फिर फटाफट चलते हैं हम लोग। अरे वहाँ जाना जहाँ पानी साफ हो, हमें साफ पानी काफी पसंद है, हम लोग वहीं पे खेलेंगे और खाएंगे पिएंगे यार। हाँ यार हम वहीं जाएंगे। तो चलो गाइस अभी फटाफट से निकलते हैं और पहुंचते हैं पिकनिक की तरफ। लिटरली यार मैं ना काफी ज्यादा खुश हो रहा हूँ और इतने दिनों बाद मैं खुद कैंपिंग के लिए जा रहा हूँ यार। गाइस यार वैसे आज पढ़ाई नहीं हो रही तो आप लोग कैंपिंग की स्पेलिंग कमेंट में लिख दो, ताकि बहुत अच्छा लगेगा मुझे कि आपको कैंपिंग की स्पेलिंग आती है यार। ऑल राइट गाइस, काफी देर से लॉस एंजेलिस से बाहर आ गया हूँ और देखो मैं उसी नदी पहुंच गया हूँ जहाँ पे मुझे कैंपिंग करना था। लेकिन यहाँ देखो यार पानी तो है ही नहीं, हम इतने से पानी में क्या करेंगे, ना नहा पाएंगे ना खाना बना पाएंगे। अरे यार हम लोग गलत आ गए, आज का पिकनिक कैंसिल हो गया हमारा तो। और यार ये क्या बात हुई, हम लोगों ने इतना सामान खरीद लिया और ये क्या, यहाँ पे पानी ही नहीं है यार। अरे यार सारा प्लान खराब हो गया। गाइस वेट, वहाँ पे पानी आगे जा रहा है, क्या पता आगे पानी ज्यादा हो, चलो एक बार आगे भी देख लेते। अरे यार यहाँ तो इतना पानी भी नहीं है कि मेरा अंगूठा डूब जाए। अरे सही बोला, आपका अंगूठा भी नहीं डूब रहा यार। गाइस वापस बैठ रहे हम लोग, और यार अगर ऐसा रहा ना तो सही में कैंपिंग का पूरा प्लान चौपट हो जाएगा। अरे यार क्या बताएं, हम लोगों को चेक करना चाहिए था कि यहाँ पे पानी है या नहीं है। अरे कोई बात नहीं आगे बहुत सारी नदियाँ हैं, चिंता मत करो आगे होगा कहीं ना कहीं पानी। वैसे गाइस ये नदी ना काफी जल्दी सूख गई, वैसे पिछली बार जब मैं आया था ना तो इस नदी में बहुत ज्यादा पानी था, लेकिन आगे देखते। वेट आगे तो थोड़ा पानी ज्यादा लग रहा है, एक बार और आगे जाता हूँ और देखता हूँ कि अरे हाँ यहाँ मुझे याद आया एक नदी उधर से भी तो आती है, और देखो गाइस यहाँ तो पानी है, मजा आ गया। चलो गाइस इसी बात में वेट। ओ हिरन हिरन, गाइस हिरन दिख गया, फेंकी भी आपको भी दिखाना है। अरे हाँ हाँ वो भाग तो रही है, और वहाँ देखो इतने सारे हिरन वहाँ पे खाना खा रहे हैं। ओए कोई डिस्टर्ब मत करना, चलो हम लोग आराम आराम से यहाँ से निकल जाते हैं। अरे वो गाड़ी की आवाज सुन के अपने आप भाग जाएंगे, देखा भाग गए ना। अरे हाँ बिल्कुल सही बोला, गाइस गाड़ी की आवाज सुन के भाग जाते हैं। कोई नहीं अब हम लोग आगे जाते हैं। एंड फेंकी भैया ये जो आगे दिख रहा है वहाँ देखो कितना ज्यादा पानी है यार। अबे वही तो, वहाँ पे पूरी नदी सूखी हुई है और जस्ट बगल में थोड़ा आगे इतना बढ़िया पानी का लहर है, और यहाँ देखो कितना बढ़िया लग रहा है। एक काम करता हूँ ट्रक को ना उस पार लेके जाते हैं और उस पार में करेंगे कैंपिंग, तो सब लोग पकड़े रहना, हम लोग पानी में जाने के लिए तैयार है। रेडी रेडी चलो चलो। ओह माय गॉड भाई साहब काफी ज्यादा, चलो ये एरिया मुझे बढ़िया लग रहा है, यहाँ पे हम लोग कैंपिंग भी कर सकते हैं और यहाँ पे पानी का बहाव देखो कितना तेज है। चलो फिर ठीक है आज के लिए कैंपिंग हम यहीं पे स्टार्ट करते हैं यार। और फिर ठीक है सारा सामान निकाल के रेडी होते हैं एंड सारे टेंट वेंट गाड़ते हैं, चलो भाई सब लोग काम में लग जाओ यार। अरे भाई साहब सही में आज तो इतना ज्यादा खुश हूँ ना, और यहाँ देखो पानी का बहाव इतना ज्यादा तेज पानी है ना, क्या बताऊँ सिंचा तो यूं ही बह जाएगा। लिटरली गाइस इतना ज्यादा मजा आ रहा है देखे पानी को, मैं बहुत ज्यादा खुश हो रहा हूँ। और वो देखो रेड हल्क को फटाफट से सारा सामान लेके आ गए, चलो
हम एक काम करते हैं, ये फटाफट देना सारा सामान सेट करके आप लोग से मिलते हैं। चलो डब्बा खोलो भाई। अरे हाँ बिल्कुल सही बोला, डब्बा खोलो और सारा काम शुरू करो। अरे चलो चलो जल्दी आओ। अरे फ्रैंकलिन भैया देखो इधर सामान सेट हो गया यार। अच्छा ठीक है आ रहा हूँ। गाइस एक मिनट, पहले ना इसको ना धो लेता हूँ क्योंकि ये काफी ज्यादा गंदी हो गई है। और ये भाई साहब ये, और ओ भाई मजा आ गया। ओ भाई साहब, यार गाइस आप लोग देख सकते हो ट्रक है ना, ट्रक भी पानी में बह जाएगा। अरे बैंगी भाई बाहर ले आओ यार। चलो अपनी वाली ट्रक को हमने धो लिया है और वहाँ देखो सारे के सारे लोगों ने ना वो कैंपिंग का सारा सामान बाहर लगाकर सेट कर दिया। चलो मैं आप लोग को दिखाता हूँ। अरे रात में तो इसी टेंट में सोऊंगा यार, मैं सो जाऊंगा, सिंचन सो जाएगा और जिसको सोना होगा सो जाएगा यार। एक मिनट, यहाँ पे मैं डिसाइड करूंगा कौन कहाँ सोएगा। और गाइस ये देखो यहाँ पे होगा हमारा खाना बनाना। देखो थोर काम कर रहा है। अरे यार एक पाइप नहीं लग रहा, बस वो लग जाए फिर बहुत बढ़िया होगा। और ये छाता लगा रहा है। और वो देखो कैप्टन अमेरिका, सॉरी आयरन मैन यहाँ पे रस्सी बांध रहा है। अरे यार क्या ही बताऊँ, फटाफट से सारा काम हो गया है। और वहाँ देखो डोरेमोन वगैरह क्या कर रहे हैं यार। अरे वही तो, यहाँ देखो इधर आ जल्दी, गाइस सही में बहुत मस्ती हो रही है इधर तो। ओए बॉडी बना रहे हैं हम लोग, मजा आएगा। अरे यार पानी में जाएंगे नहाने के लिए, उससे पहले थोड़ा शरीर को गर्म कर लूँ यार। अरे हाँ तुम कर सकते हो, वाह डोरेमोन वाह। ओहो तुम्हारे लिए तो ताली बजा रहा हूँ मैं, करो करो और अच्छे से करो, फिर अभी हम लोग सब जाएंगे पानी में, खूब मजा आएगा यार। तो कैंपिंग का काम हो गया हो तो चले पानी में, मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो रहा हूँ। आ जाओ सारे के सारे, जिसको जिसको जाना है पानी में यार। अरे मैं नहीं जाऊंगा गाइस, मैं अगर गया ना गारंटेड बता रहा हूँ डायरेक्ट समुंदर में जाके मिलूंगा इन लोगों को। अरे मैं तो गया अभी पानी में, बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। अरे बिल्कुल सही बोला भाई, बहुत मजा आ रहा है। ओह ठंडा पानी है यार। अरे यार सही में पानी का बहाव तो बहुत तेज है फ्रैंकलिन। अरे फ्रैंकलिन भाई राम से बहुमत यार, ऐसे बह जा रहे हो आप तो। अबे भाई साहब मैं तो अपने आप बह रहा हूँ। अरे ये आराम से फ्रैंकलिन। अरे यार गया बच गया यार, आज तो हरकले बचा लिया। अरे बहुत यार बहुत बहाव से, आराम से रहिए भाई साहब। भाई साहब बहुत तेज बहाव है पानी का, आराम से फ्रैंकलिन तुम बह मत जाना। लिटरली गाइस पानी का बहाव तेज है लेकिन पानी गहरा नहीं है, इसीलिए हम लोग बह नहीं रहे। लेकिन मजा देखो कितना ज्यादा है, वो देखो वो तो बार बार गिर रहे सारे के सारे। अरे बहुत मजा आ रहा है। ओ गाइस सही में मानना पड़ेगा, इतना ठंडा पानी है और इतनी बढ़िया जगह है, इतना ज्यादा बहाव है ना, मजा आ रहा है। ओ गाइस अरे फ्रैंकी पे देखो मैं गिर जाऊंगा, एक गिर गया रे। अरे यार सही में यहाँ तो बहुत ज्यादा मजा आ रहा है, तुम कैसे निकले फ्रैंकलिन बाहर, यहाँ पे इतना ज्यादा फिक्सर है क्या है बताऊं। अरे यार मजे में मजा यार। अरे फ्रैंकी भैया बाहर मजा। ओ भाई साहब क्या जंप मारी फ्रैंकी भैया ने, मानना पड़ेगा यार। वही तो यार काफी तेज बहाव है। चलो आगे ना पानी काफी ज्यादा गहरा लग रहा है, आगे कोई मत जाना ठीक है ना। अरे हाँ वैसे यार देखो क्या ही मजा आ रहा है फ्रैंकी भैया, एक काम करता हूँ पानी के अंदर मछलियाँ दिख रही हैं उनको पकड़ लूँ। अरे डीजे लोग गया, डीजे लोग इधर आ जाओ भाई, उधर पानी बहुत ज्यादा गहरा है। अरे ठीक कह रहा है भाई तू। अरे मैं तो सोच रहा था चले जाऊँ आगे पर बह गया भाई मैं तो। ये देखो गाइस डोरेमोन और यहाँ पे सारे के सारे बहुत ज्यादा मस्ती कर रहे। अरे यार क्या बताऊँ इतना ज्यादा मजा आ रहा है ना। अरे 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 मेरे को मत गिराओ यार, बच गया। अरे यार बिल्कुल सही बोला डोरेमोन, संभल के सब लोग संभल के खेले यार। यार इतना ज्यादा मजा कैंपिंग में आता है तो रोज होना चाहिए यार। नहीं नहीं रोज नहीं, एक दिन होता है ये कभी कभी ठीक है ना। चलो अभी नहा लिया हो ना तो चलो फटाफट से बाहर आ जाओ ठीक है ना। अरे फ्रैंकी भैया यार मन तो कर रहा है अभी एक और बार नहा लूं। अरे हम लोगों को तो कुछ भी नहीं हो रहा, हम लोगों को कुछ भी नहीं हो रहा यार। अरे यार ये पानी का मैं थोड़ा, तुम लोग तो बह जा रहे हो, मेरा तो अभी पैर भी नहीं डूबा ढंग से देख रहे हो, और तुम देखो सबके सब अपने आप गिरते जा रहे हो यार। अरे सब लोग आ जाओ गाइस यार मैं तो खूब ज्यादा नहा रहा हूँ, फ्रैंकी भाई 2 मिनट रुकना यार वरना मैं डूब जाऊंगा। डीजे भाई साहब गाइस आज तो डांस। अरे यार मुझे तो बाहर निकालो। अरे मैं रह गया फ्रैंकलिन। अरे यार आओ मैं निकालता हूँ, ये लो आ जाओ अब मजा आया ना। अरे गाइस मानना पड़ेगा, अगर मेरे पास सुपर पावर होती ना तो मैं इस पूरी जगह को पानी से भर देता और एक नया स्विमिंग पूल बना देता यार। अभी ठीक है, अभी रात के खाने के लिए फटाफट हम लोग खाना बनाते हैं, क्योंकि यार रात में ना खा के हमें यहीं रहना भी है और सोना भी यहीं पर। अरे
मेरे लिए तो थोड़ा ज्यादा बनाना। चलो फिर ठीक है, सब लोग अपना अपना काम बांट लो और हम लोग रात में मिलते हैं गाइस। ऑल राइट गाइस, ये देखो हम लोग से खाना तो बना नहीं था, हम लोग ने ऑर्डर करके पिज्जा वगैरह मंगा लिया क्योंकि हम लोग को खाना बनाना आता ही नहीं है, तो वो सारा खाना वेस्ट हो जाएगा। और यहाँ देखो हम लोगों ने यहाँ पे बॉन फायर लगा रखा है क्योंकि गाइस आज रात भर हम लोग यहाँ पे मस्ती करेंगे। अरे मस्ती, मैं तो चला डांस करने। क्या? अरे हम भी चले डांस करने के लिए। क्या कह रहे हो, सारे के सारे डांस करोगे? अरे यार लिटरली बहुत बढ़िया लग रहा है। और ये देखो हम तो यार बजा रहे हैं गिटार। अरे फिर मेरे को नींद आ रही है, गुड नाइट। गाइस सिंजन तो बाहर ही सो गया लिटरली। यार आज जो कैंपिंग में मजा आया ना वो मुझे अभी तक नहीं आया था। अरे मुझे भी आज बहुत दिनों बाद इतना ज्यादा मजा आया है यार। सही में यार आज ये देखो चांदनी रात। और गाइस इस बात में आप लोग ना फटाफट से वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दो और गाइस लिख दो कि आज आपको ये वीडियो देखने में कितना ज्यादा मजा आया। ज्यादा से ज्यादा मजा आया होगा मुझे पता है। और ये देखो सिंजन तो सो भी गया। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, आज ना मैं भी कुछ ज्यादा थक गया। अरे सुनो मैं तो चला सोने के लिए, अब आप लोग भी सो जाना ठीक है ना। अरे हाँ हाँ हम सो जाएंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।